हेलो, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम। जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वाई इन दिस फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, सो सिंस वाई इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट वॉट इज वाई प्राइम एंड वॉट इज वाई डबल प्राइम। सो वाई प्राइम इज 6e2x, दैट इज 6 एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x, एंड माइनस अल्फा। एंड वाई डबल प्राइम विल बी 12 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x। ओके, नाउ वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वाई एंड वाई डबल प्राइम इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ओके, एंड दिस इज ऑल्सो गिवेन वाई जीरो इक्वल्स टू 4। सो वाई जीरो इक्वल्स टू 4, सो वाई जीरो इक्वल्स टू 3 प्लस 1 माइनस 0। सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ओके, बट वाई प्राइम 0 इक्वल्स टू 1, सो फ्रॉम हियर जस्ट पुट वाई प्राइम 0 इक्वल्स टू 1। सो वाई प्राइम 0 इज वॉट, 6 माइनस 2 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट अल्फा इक्वल्स टू 6 4 3। सो अल्फा इक्वल्स टू 3। Now the value of beta will come if you substitute this equation, this y and y prime, to the given differential equation. Okay. So now y prime plus beta y equals to 4 alpha x. Okay. Now you see that y double prime at 0. If you substituted 0 plus beta y0 equals to 0. Okay, so from this I can find out y double prime. So y double prime 0 is what? Y double prime 0 is 12 plus 4, that is 16. So this is 16. Okay, so this is 16. And plus beta, and y0 is 4, so 4. So we are getting beta equals to minus 4. That's it. So beta equals to minus 4 and alpha equals to 3. Okay. Thank you.